नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूं आपके लिए कारोबार जगत की बड़ी खबरें। दो बैंकों के भारी कर्ज में डूबी बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनी SKS पावर जनरेशन बिकने के लिए तैयार है, जिसे खरीदने के लिए अंबानी और अडानी ग्रुप आमने सामने आ चुके हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गौतम अडानी की अडानी पावर और NTPC समेत दो दर्जन कंपनियों ने इसे खरीदने की दिलचस्पी दिखाई है। छत्तीसगढ़ की इस बिजली पैदा करने वाली कंपनी को खरीदने का मुकाबला अडानी और अंबानी ग्रुप के आ जाने से दिलचस्प हो चुका है। ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार SKS पावर को खरीदने के लिए अडानी और अंबानी के अलावा टोरेंट पावर, जिंदल पावर लिमिटेड, वेदांता ग्रुप, डीपी पावर, शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स, जिंदल इंडिया थर्मल, आदित्य बिरला ARC, फोएनएक्स ARC और प्रूडेंट ARC शामिल है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत में आज़ादी के 75वें वर्ष में 75,000 स्टार्टअप हैं। गोयल ने ट्वीट किया, ये आंकड़े दृष्टिकोण की ताकत दिखाते हैं। ऐसा दृष्टिकोण की वृद्धि को गति, नवाचार और उद्यम देंगे। उन्होंने आगे कहा, भारत में आज़ादी के 75वें वर्ष में 75,000 स्टार्टअप हैं और ये तो महज शुरुआत है। गोयल ने हाल में कहा था कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप परिस्थितिकी बनाना चाहता है। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में नरमी को देखते हुए डीजल और ATF यानी कि विमान ईंधन पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती की है। हालांकि घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर शुल्क बढ़ा दिया गया है। एक आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक डीजल के निर्यात पर जहां 11 रुपये से घटकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, वहीं ATF पर इसे खत्म करने का फैसला लिया गया है। इसी तरह पेट्रोल के निर्यात पर शून्य कर जारी रहेगा। अधिसूचना के अनुसार घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर कर 17,000 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 17,750 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। ये कदम ONGC और वेदांता लिमिटेड जैसे उत्पादकों को प्रभावित कर सकता है। भारत ने पहली बार 1 जुलाई को अप्रत्याशित कर लाभ लगाया था। इसी के साथ वह उन देशों में शामिल हो गया था जो ऊर्जा कंपनियों के मुनाफे पर लगाते हैं। हालांकि तब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट आने लगी है, जिससे तेल उत्पादकों और रिफाइनरी दोनों के मुनाफे में कमी दर्ज की गई है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।